पूछेगा कि आप लोग क्रिएटर हैं या बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी शो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, डालने के लिए बोल रहा है। आपका बिजनेस का एड्रेस है, अगर आप लोग एड्रेस भी देना चाहते हैं बिजनेस एड्रेस में आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यदि आप लोग का कोई बिजनेस है जिसको आप लोग ऑनलाइन लाना चाहते हैं और जिसके लिए आप लोग अपना इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप लोग इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट को बना सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में आपको बता देते हैं। बिल्कुल जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं उसी को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और कहाँ पे आपको क्या करना है सारा चीज हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पर्सनल अकाउंट इंस्टाग्राम का है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले से मान लेते हैं कि आप लोग का इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से बना हुआ होगा। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे एक वीडियो शो हो रहा है, उसको आप लोग देख लीजिए, उस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बता दिए हैं कि किस तरह से आप लोग नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो इसी को हम लोग बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना, उसके बाद यहाँ पे मेन प्रोफाइल में आपको आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट में क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस थ्री डॉट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे थ्री लाइन में कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको नीचे आना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, अकाउंट टाइप एंड टूल्स, अकाउंट टाइप एंड टूल्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर प्रोफेशनल, इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्रोसेस को आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद का प्रोसेस देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिला है, इसी कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स, इसमें भी आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद रीच मोर पीपल, इसमें भी आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। गेट न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शन, इसमें भी आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप लोग आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, ब्लॉगर है, या क्लोथिंग ब्रांड है आपका, कम्युनिटी है, डिजिटल क्रिएटर है, या एजुकेशन है, एडिटर है, यहाँ पे जो भी आपका रेस्टोरेंट है, यहाँ पे शॉपिंग या रिटेलर है, वीडियो क्रिएटर या फोटोग्राफर है, जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल का, इसको अगर आप लोग इसको दिखाना चाहते हैं डिजिटल क्रिएटर, जो डिस्प्ले प्रोफाइल में भी शो होगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल होता है उसके नीचे शो होगा डिजिटल क्रिएटर, तो इसको आप लोग दिखाना चाहते हैं यहाँ से आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डन में क्लिक करना है। जैसे आप लोग डन में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे घूमेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप लोग क्रिएटर हैं या बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस अकाउंट बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक किए उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी शो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्री कोड यहाँ पे आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कंट्री कोड नेम यहाँ पे आपको इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया। जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है, अगर आप लोग एड्रेस भी देना चाहते हैं बिजनेस एड्रेस में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड वगैरह यहाँ पे आपको डाल के सेव में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, अगर आप लोग अपना बिजनेस जो कॉन्टैक्ट इन्फो अगर आप लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपना प्रोफाइल में, तो इसको आपको टिक कर देना है। अगर आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा तो आपका ये बिजनेस में जो डिटेल है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे शो होगा, अगर आप लोग इसको ऑफ कर दीजिएगा तो शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग ये सब डिटेल दिखाना ही नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग यहाँ देख सकते हैं डोंट यूज माई कॉन्टैक्ट इन्फो का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। बाकी हमको ये सब डिटेल नहीं दिखाना है, अगर आपको जरूरी है एड्रेस दिखाना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखाना, तो यहाँ पे आपको इसको डाल के यहाँ पे आपको इसमें टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। बाकी हमको ये सब नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डोंट यूज माई कॉन्टैक्ट इन्फो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे लॉगिन इनटू फेसबुक, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो आप लोग इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप लोग का फेसबुक पेज पहले से है उसी का, जैसे अगर आपका कोई शॉप है तो उसका अगर आप लोग फेसबुक पेज पहले बना के रखें और अभी आप लोग बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम का, तो उसको आप लोग लिंक कर सकते हैं। लिंक किस तरह से करना है, लॉगिन इनटू फेसबुक में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद फेसबुक अगर इसी मोबाइल में लॉगिन रहेगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आपका पेज रहेगा बिजनेस का यानी दुकान का जो भी है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग एक पेज को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कनेक्ट में क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से घूम रहा है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका कौन सा बिजनेस है नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगेगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं जान के नया नया भी आइडिया मिल सकता है, तो जरूर से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पे हमारा पेज कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई कारण होगा, बाकी यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना। बाकी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल स्किप में क्लिक करते हैं, ठीक है।
जैसे हम लोग यहाँ पे स्किप में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट इंस्पायर्ड का यहाँ पे इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ फॉलो कर सकते हैं किसी को, तो यहाँ पे हम लोग टिक कर देते हैं बाकी। उसके बाद ग्रो योर ऑडियंस इसमें आपको क्लिक करना है और आप लोग इन्वाइट कर सकते हैं अपना जो इंस्टाग्राम का जो आपका प्रोफाइल है उसको आप लोग फॉलो वगैरह बनाने के लिए फॉलोअर्स वगैरह इन्वाइट कर सकते हैं। बाकी ग्रो योर ऑडियंस है कुछ इस तरह से, तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी ये सब आपको कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसको आपको कट करना है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर प्रोफेशनल में यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइट है, शेड्यूल कंटेंट का है, बिजनेस टूल एंड कंट्रोल, यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइट में आप लोग को दिखा देगा कि कितना टोटल फॉलोवर आया है आपका, कितना रीच वगैरह हुआ है, सारा चीज़ दिखा देगा। शेड्यूल कंटेंट में आप लोग यहाँ पे कुछ पोस्ट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि इतना बजे ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस टूल एंड कंट्रोल करके ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग काफ़ी कुछ है तो इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी कनेक्ट और क्रिएट यहाँ पे आप लोग फेसबुक पेज को कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है इसको आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग का फॉलोवर वगैरह हो गया। बाकी पेड फॉलोवर यहाँ पे पोर्ट पेड भी ले सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया, कुछ इस तरह से आप लोग इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।